नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। हालांकि कंपनी ने लगभग 10 से 11% की तेजी आज के दिन दिखाया था। तेजी के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कि कंपनी ने 5000 का MOU साइन किया है गुजरात सरकार के साथ, जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली है। हालांकि MOU होता क्या है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पर कंपनी की बात करें तो आज की तेजी को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हो, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर 3000 के आसपास जो है कि बाइंग करके फंसे हैं, जिससे रिलेटेड भी मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ मार्केट में कब क्या होगा, कौन सी कंपनी के साथ क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में किसी को नहीं पता रहता। लेकिन हाँ, कुछ हिंट्स जो है कि अपने को पहले ही मिल जाते हैं। जैसे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2 वीक पहले ही हमने इस स्टॉक से रिलेटेड जो है कि वीडियो बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 650% का कंपनी रिटर्न बना के दिया, और जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है कंपनी का, 11 मई को कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रमोटर ने और प्लस DIs ने दोस्तों इस कंपनी में स्टेक को बाइंग किया है, जिससे रिलेटेड दोस्तों हमने पहले ही वीडियो बना दिया था। हालांकि देखा है तो तेजी आज के दिन देखने को मिली दीपक नाइट्राइट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो आज के दिन 9.5% लगभग 10% के आसपास कंपनी तेजी दिखाया है। वही भी दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ से लगभग 9.5 से 10.5 के बीच में देखा है, तो लगभग 1 घंटे पूरी जो है कि कंपनी नहीं चली थी। मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग था दोस्तों, उसके नीचे ये कंपनी चल रही थी, उसके बाद जबरदस्त इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर इसका मतलब जो लो है दोस्तों, यहाँ से लो की बात करें, यहाँ से हाई तक की बात करेंगे, तो लगभग 11% के ऊपर इस कंपनी ने आज के दिन तेजी दिखाया है। हालांकि दोस्तों, वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो आज का जो कंपनी का हाई है 2160 रुपये का है, लो की बात करें तो 1932 का है। हालांकि ये कंपनी कई दिनों से चल नहीं रही है, और कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का जो 52 वीक हाई लगभग 2300 रुपये के आसपास कंपनी का 52 वीक। MOU होता क्या है दोस्तों, जिससे रिलेटेड तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। 10% आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। न्यूज़ की बात करें तो 5000 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है गुजरात में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो दहेज एंड नंदेसेरी में जो है कि कंपनी निवेश करेगी। वह भी दोस्तों, यहाँ पे कुछ केमिकल के नाम भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फोनेल, एसेटोन, एंड यहाँ पे जो है कि 20 फोनेल के बात हो रही है। यहाँ पे द दीपक नाइट्राइट शेयर प्राइस की बात हो रही है, 24 मई को जो है कंपनी मतलब 10% की तेजी देखने को मिली, 5000 करोड़ का कंपनी निवेश करेगी। यहाँ पे देख सकते दीपक नाइट्राइट फुल्ली ओन सब्सिडरी दीपक केमिकल टेक कंपनी मतलब लिमिटेड की कंपनी है दोस्तों, जो कि फुल्ली ओन करती है। साइन एक कॉन्ट्रैक्ट विद द गुजरात गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट अराउंड 5000 करोड़ का कंपनी निवेश करेगी इन द नेक्स्ट 4 ईयर में, मतलब जो आने वाले 4 साल में दोस्तों। मतलब जो रिटेस्टर निवेश करना चाहते, देखिए दोस्तों, लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, शॉर्ट टाइम में नहीं। हालांकि दोस्तों, हमने कल के दिन जो है कि एक वीडियो भी बनाया था, जो कि केमिकल सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां ऐसी रहती है कि जिनकी अगर आप चार्ट देखेंगे तो लॉन्ग टाइम में आपको उनके चार्ट ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे देखने को मिलेंगे, ना ही ऐसे ऐसे ऊपर जाते हुए। लेकिन देखा दोस्तों, तो अभी तक मतलब कंपनी बहुत सारी ऐसी केमिकल सेक्टर की कंपनियां दोस्तों, जिनके चार्ट आपको लॉन्ग टाइम में ग्रो होते हुए दिखेंगे। वहीं पे आप यहां पे भी न्यूज़ देख सकते हैं, जैसा कि हमने वहां पे देखा कंपनी कौन से केमिकल को जो है कि मैन्युफैक्चर करेगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्पेशलिस्टिक केमिकल जो है कंपनी फोनेल, एसेटोन एंड 20 फोनेल का काम करेगी दहेज एंड नंदेसेरी में। यहाँ पे द फार्माक्यूटिकल एंड एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज। हालांकि दोस्तों, बता देते हैं कि इस कंपनी का कोई ही ऐसा क्लाइंट्स बचा होगा जो कि इस कंपनी का क्लाइंट्स है, नहीं तो कंपनी के सभी जो है कि क्लाइंट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग लेमिनेट, प्लाईवुड, फार्माक्यूटिकल, पेंट एंड एडेसिव में कंपनी का केमिकल जो है कि यूज होता है। हालांकि दोस्तों, अभी तक जो है कि ये कंपनी मल्टी बैगर ही बन के साबित हुई है। हालांकि दोस्तों, न्यूज़ पॉजिटिव होने का मतलब कहीं पे अगर 5000 करोड़ का निवेश होगा दोस्तों, तो वहाँ पे जो है कि एम्प्लॉयमेंट जो है कि बढ़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कंपनी मतलब 1500 रोजगार पैदा करेगी। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, सारा न्यूज़ जो है कि आपको वही देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंपनी जो है कि कैपेक्स की बात कर रही, 5000 करोड़ जो कि कंपनी कैपेक्स करेगी। जैसा कि आप देख सकते दोस्तों, सारा न्यूज़ आपको आज के दिन वही देखने को मिलने। आपसे बताया था कि MOU होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, सिंपल भाषा में बताना चाहते हैं, 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच हुए समझौतों का दस्तावेज समझौता ज्ञापन अंग्रेजी भाषा में जो है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। समझौता या ज्ञापन में एक साझा कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ साथ काम की भी रूपरेखा मतलब जो कि करने की निश्चित बात लिखी गई होती है, यही एक विविध पत्र है जो कि मतलब उसको
MOU बोलते हैं। स्टॉक के ऊपर भी आएंगे दोस्तों, कभी बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ जब सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी जिस समय मतलब फुल स्ट्रगल कर रही थी, लगभग 1600-1700 की प्राइस पे कंपनी चल रही थी, उस समय दोस्तों प्रमोटर ने अपने स्टॉक को ऑन किया, मतलब आप देख सकते हैं उन्होंने बाइंग किया। यहाँ पे देखा तो FIs ने कुछ सेलिंग किया और रही बात पब्लिक ने भी कुछ सेलिंग किया, लेकिन यहाँ पे DIs और प्रमोटर ने दोस्तों बाइंग किया, जिसके कारण मतलब देखिए दोस्तों क्या है कि हमने आपको क्या बताया कि कुछ हिंट्स होते हैं जो कि मतलब कंपनी में अच्छे होने वाले हैं, उसके हिंट्स जो है कि अपने को पहले ही मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे बहुत ही कम आपको डेट देखने को मिलेगा, और मतलब देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग कंपनियाँ होती है, जैसे मैं देखा है तो अभी तक मल्टी बैगर बन के नहीं दोस्तों कंपनी भी देखा है तो सॉलिड है दीपक नाइट्रेट। जब से मतलब दोस्तों कंपनी में एक न्यूज आया था फायर का, न्यूज की बात करें तो फायर जब से इनके प्लांट में लगाया दोस्तों तब से देखा जाए तो मतलब स्टॉक एक स्ट्रगल कर रहा है। अभी दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए इससे रिलेटेड तो हम चार्ट पे आ जाएंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब देखिए केमिकल सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे देखा है तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है कि कंपटीशन है दोस्तों, लेकिन हाँ बताना चाहते हैं आपसे कि मतलब कोई ऐसा ये बिजनेस नहीं है, इसमें अगर आपके पास कुछ जो है कि मतलब यूनिक चीज़ है, यूनिक केमिकल है दोस्तों, तभी जो है कि मतलब आप जो है कि मतलब सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में, नहीं तो अन्यथा देखा है तो बहुत हैवी कंपटीशन देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस कंपनी के जो है कंपटीटर देखने को तो मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी जो केमिकल बनाती है दोस्तों डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि इस कंपनी के भी यही सारे क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। अभी स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए आप यहाँ पे अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी जो है कि मतलब कुछ भी बना के रिटर्न नहीं दिया है। हालांकि वहीं पे अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में कंपनी ने 15% का रिटर्न बना के दिया, और इसी 1 महीने में दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी एक स्ट्रगलिंग पॉइंट में था, मतलब कंपनी के रिजल्ट भी आए दोस्तों, और रिजल्ट के बाद ना ही तेजी देखने को मिली ना ही गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के बाद मतलब कुछ दिनों के बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। वहीं पे दोस्तों मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में देखा है तो फंसे भी हैं, लगभग 3000 के आसपास बाइंग करके फंसे हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बता दिया कि इस कंपनी में अभी तक जो है कि 3 ही मैन्युफैक्चर प्लांट थे, जो कि अभी ये चौथा हो जाएगा, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो जो इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं आप मतलब लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करना दोस्तों, जैसा कि आप इसके अगर चार्ट को भी देखेंगे तो हमने आपसे क्या बताया कि तो हम 5 साल का ही चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा इसका चार्ट बना है, मतलब बहुत वॉलेटाइल नहीं, धीरे 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 करके ग्रो होगा। वहीं पर अगर आप मैगजीन चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी केमिकल कंपनियों के चार्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे, जो मल्टी बैगर रहेंगे उनके चार्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके एकदम मतलब यहां से यहां तक आपको कुछ उड़ान दिखेगी नहीं, मतलब एक फ्लाइट की तरह ये उड़ान भरते हैं, तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। हालांकि मतलब जो रिटेलर इस स्टॉक को अभी करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे दोस्तों, मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि 2500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है जल्द से जल्द। हालांकि अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि वही 2000 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।